रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो दोस्त हैं मेरे, मेरे भाई हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, पहले तो आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया, वेलकम सबको। और इसके अलावा आज हम उस सीरीज़ पे बात करेंगे जो देसी मुर्गी की कुड़क होने वाली है, किस तरीके से कुड़क करनी है और किस तरीके से आप मुर्गा लगा सकते हो अपनी देसी मुर्गी से। जो कुड़क लिए, कुड़क करने के लिए आपके पास मुर्गा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इसी मौजू पे बात करेंगे। और इसका हम पार्ट वन बना रहे हैं आज, और हर रोज़ एक नया पार्ट बनाएंगे, उसी में आपके साथ बहुत अच्छी मालूमात शेयर करेंगे। और आपकी देसी मुर्गी की उम्र कितनी होनी चाहिए और मुर्गे की उम्र कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे आज का पहला पार्ट जो है इसी में आप देखें, 15 दिन तक मैंने मुर्गे को अलग करने का फैसला रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम इसको 15 दिन तक अलग रखते हैं तो इसी में हमारा फ़ायदा है। 15 दिन के अंदर जो मुर्गे की कुरीज़ है वो बिल्कुल निकल आएगी, और कुरीज़ के बाद ये बिल्कुल जो है रेडी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगा, और आप इसी बात पे अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपकी जो देसी मुर्गी है बहुत जल्दी कुड़क हो जाएगी। तो देसी मुर्गियां कैसे कुड़क होती हैं सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहले पार्ट में दाने के ऊपर भी आज हमने वीडियो बनाएंगे, और दाने के बारे में अब आपको बताएंगे। तो डेली तौर पे आपको किस तरीके से दाना देना है और उसके अंदर कितनी चीज़ें आपको मिक्स करनी है, वो दाना आपको मैं एंड में दिखा रहा हूँ, इसीलिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। वीडियो पूरी देखेगे बात आपको समझ में आएगी, और आप अपनी मुर्गी देसी को कुड़क भी कर सकते हो। तो बहुत सारे दोस्तों की शिकायत भी आ रही थी, वो कह रहे थे भाई आपकी मुर्गियाँ कुड़क होती है, हमारी नहीं होती। सबसे पहले पार्ट में आपको क्या करना है, जो आपका देसी मुर्गा अपनी मुर्गी के साथ छोड़ा हुआ है उसको आप हटा लें। हटाने के बाद जो आपने देसी मुर्गा है जिसने कुरीज़ की है, ये देखो ये इसने कुरीज़ की है, अभी इसको 15 दिन तक हम अलग रखेंगे, और 15 दिन के बाद इसको अपनी मुर्गी के साथ छोड़ेंगे। तो खुराक किस तरीके से देनी है वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जितनी भी वीडियो बनाएं वो आप देखें, उसमें फ़ायदा हासिल करें। तो ये देखें मैंने इससे मुर्गी हटा ली है, ये देखें अंदर जाल के अंदर एक ही मुर्गा खड़ा हुआ है। तो आपको भी ऐसा करना है, 15 दिन तक इसको अलग रखें, और अलग रखने के बाद आप इसके साथ मुर्गी छोड़ें। धीरे धीरे वीडियो बनाते रहेंगे और आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी सर्दियां आ चुकी है और सीज़न भी आ चुकी है अंडों बच्चों की। बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है, उसकी जो मुर्गियां हैं देसी वो कुड़क नहीं होती, उनकी मुर्गियां कुड़क नहीं होती। कुड़क करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और उनकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी आप अच्छी रखें, इंशाल्लाह ताला आपकी मुर्गियां कुड़क हो जाएगी। एक बात यकीन की होती है, लोग यकीन करते हैं, यकीन करने के बाद आप अपनी मुर्गियां कुड़क करें। जब भी मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूं आप उस पे अमल करें, और उस वीडियो को आप गौर से सुने। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा उस वीडियो को सुने और फ़ायदा उठाएँ। ठीक है भाई, तो इसीलिए हमने मुर्गे को आज अलग कर दिया, ये देखें आप। और खाने पीने की चीज़ें जो थी वो देखें आप, कल जो वीडियो होगी वह खाने के ऊपर होगी, खाना इनको किस तरीके से देना है, और 15 दिन तक इसकी बिल्कुल आप अच्छी खुराक करें। अच्छी खुराक के बाद इंशाल्लाह ताला आप जल्दी फ़ायदा उठाएंगे। फ़ायदा उठाने के बाद आपकी मुर्गियां कुड़क हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमारी मुर्गी देसी कुड़क हो चुकी है। तो आपने देख लिया मैंने अपने मुर्गे को बिल्कुल अलग कर दिया है मुर्गी से, इंशाल्लाह ताला
दूसरी वीडियो में आपको खाने पीने की चीज़ें बताएंगे, उनमें से आपको बहुत जल्दी फ़ायदा हासिल होगा। तो चलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में, मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबको अल्लाह साईं खुश रखे, आबाद रखे और दुआओं में याद रखना।